भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय कैलाश सारंग की प्रथम पुण्यतिथि और उनकी पत्नी प्रसून सारंग की जयंती पर भोपाल के रविंद्र भवन में स्मृति संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें सुप्रसिद्ध भजन गायिका मैथिली ठाकुर ने मनमोहक भजनों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैलाश सारंग को याद करते हुए कहा कि उन्होंने मुझ जैसे हजारों कार्यकर्ताओं को उंगली पकड़कर राजनीति सिखाई है और वे एक कवि, लेखक, चिंतक और विचारक भी थे। वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनके साथ काम करने का अवसर मिला। सारंग जी ने उंगली पकड़ के मेरे जैसे सैकड़ों नहीं हजारों कार्यकर्ताओं को राजनीति सिखाई। वो चिंतक थे, लेखक थे, विचारक थे, कवि थे, साहित्यकार थे, शायर थे। कई बार समझ में नहीं आता कि वो क्या नहीं थे। एक संपूर्ण व्यक्तित्व। मुझे विश्वास जी, मन भारी करने की जरूरत नहीं है। आप तो आभारी हो उस पिता के जो ऐसी परंपरा छोड़ के गए। और शरीर के साथ मनुष्य का अंत नहीं होता, अंत के साथ ही अनंत की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। आज भाई साहब की पहली पुण्यतिथि है। हम सब उनका स्मरण करने के लिए एकत्र हुए हैं। इस राज्य में कैलाश सारंग जी से और भाभी जी से जिन जिन लोगों का संपर्क आया है, मैं समझता हूं कि वो सभी उनकी योग्यता, उनकी आत्मीयता के कायल होकर ही रह गए। मेरा यह सौभाग्य है पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मुझे भी उनके साथ काम करने का अवसर मिला और उनका कठिन परिस्थितियों में सानिध्य प्राप्त करने का भी अवसर मिला कि कैलाश सारंग जी भारतीय जनता पार्टी के एक आदर्श कार्यकर्ता थे, नेता थे, वे जनप्रतिनिधि भी रहे, पार्टी के पदाधिकारी भी रहे, लेखक भी थे, पत्रकार भी थे, शायर भी थे और आध्यात्म से गहरे जुड़े थे। उनका जो बहुआयामी व्यक्तित्व है और उनका जो कृतित्व हम सब लोगों ने काम करते हुए देखा, वह निश्चित रूप से अत्यंत ही प्रेरणास्पद है।